श्रद्धा ऐसे ऐसे क्या कहते हैं सीन लेकर आती है, ऐसी ऐसी चीज़ें लेकर आती है जो मुझे ऐसा लगता है पर्सनल लाइफ में कोई ऐसा करता होगा क्या। बट येस ऑफकोर्स श्रद्धा के पास बहुत खुराफाती दिमाग है और वो कुछ भी खुराफाती करती है, जैसे कि अब थपकी वो चाहती है, ये तो आपको पता ही है कि उसका मेन मुद्दा है टू हर्ट थपकी फिजिकली मेंटली किसी भी तरह से, यू नो। तो आज भी वो उसको फिजिकली हर्ट करना चाहती है, जो चूहे दानी आती है जिसमें चूहा पकड़ा जाता है उसको हर जगह पे वो बिछा कर, दो चार चूहेदानी बिछा कर ताकि वो आए और उसका पैर उसमें पड़े, ऐसा कुछ प्लान कर रही है ताकि वो हर्ट हो और वो चल ना पाए। और वो जो सिलाई का काम उसको मिला है, जो उसने नया एक यू नो अपना काम शुरू किया है, वो काम टाइम पे पूरा ना हो पाए क्योंकि उसके पैर पे लग जाएगा, वो मशीन नहीं चला पाएगी, तो ऑब्वियसली फिर लोगों के कपड़े बराबर टाइम पे सी नहीं पाएगी, कंप्लीट नहीं कर पाएगी और फिर लोग उसको खरा खोटा सुनाएंगे। तो श्रद्धा वही तो चाहती है, कहीं ना कहीं इसमें श्रद्धा सक्सेस मिला श्रद्धा को इस बात जी। एक्चुअली अनसक्सेसफुल होने वाली थी पर आई थिंक आज भगवान मेरे साथ है तो आज उनका पांव तो पड़ गया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसके बाद भी थपकी कुछ ना कुछ हल निकालेगी, बिकॉज एज माय डायलॉग सेज बहुत मोटी चमड़ी की है, इतनी जल्दी तो चीज़ें नहीं, हार मानने वालों से तो नहीं है। फिर बयान के सामने पता चल गया कि थपकी घर की नौकरानी थी, तो उसके बाद क्या रिएक्शन आया? बिहान को पता लग गया तो क्या हो गया, हमसे काम ही तो करवा रहे हैं, आई मीन पैसे भी तो दे रहे हैं ना, 500 पर डे, दैट मीन्स 15,000 पर डे, इतनी महंगी बाई, यू नो, एंड इतना सब काम कर रहा है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कि कल बिहान को पता लगा, उसको बहुत गुस्सा आया, सब कुछ उसने किया, बहुत गुस्सा उसने किया कि भाई नौकरानी ये क्यों हो गई वो क्यों, बोले अरे तुम हमारे गुलाबों को बाहर निकाल के उसके घर में रह रहे हो, उसके घर पे कब्जा करके बैठ गए हो, तो भी उसका भाड़ा तो देना पड़ेगा ना। वैसे ही दिल्ली में भी, यहाँ ये तो नोएडा की स्टोरी है, वहाँ पे घर महंगे हो गए, तो 10,000 फॉर तबेला, और इतना अच्छा तबेला वेल मेंटेन, 10,000 तो बनता है। तो मैं उसको बस वही बोलती हूँ कि चलो 100-200 दे देना, पर यहाँ रह लो, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि वो यहाँ से जाए वापस, और अगर बाहर चलेगी तो मैं किसके साथ गेम्स खेलूँगी। तो मैंने अपनी तरफ से चाल चल दी, अब देखते हैं बिहान क्या करता है। ऑडियंस के लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और थैंक यू, आप ऐसे ही प्यार करते रहिए, हमारा शो ऐसे देखते रहिए। प्लीज़ जो श्रद्धा ऐसी खौफनाक चीज़ें करती है उसको घर पे रिपीट मत कीजिए, और हम सब बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए, आपको एंटरटेन करने के लिए, आप हमारी ब्लेसिंग्स, अपनी ब्लेसिंग्स हम तक भेजते रहिए, हम आपको एंटरटेन करते रहेंगे। थैंक यू।